अभी जैसे कि बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं एंड हर एक के घर में त्योहारों में घर पे मिठाइयाँ जरूर बनती है, और अगर घर पे सस्ते में एकदम बाजार जैसी मिठाई हम लोग बना सकते हैं तो सब लोग आपकी तारीफ तो जरूर करेंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको हम लोग एकदम इजी तरीके से बनाएंगे एंड एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रखे थे। यहाँ पे मैंने मूंगफली एंड काजू दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है, दोनों को मैंने आधा आधा कप जितना यहाँ पे लिया है। सो यहाँ पे मैंने जो काजू है वो जो पूरे काजू आखे वाले आते वो यूज किए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग जो टुकड़े वाले काजू आते हैं इस तरीके से वो भी आप लोग ले सकते हैं, बस आपको वो आधा कप जितना लेना है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने ली है आधा कप जितनी मूंगफली। इसके छिलके एकदम आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके मूंगफली के छिलके नहीं निकलते हैं तो उसको हल्का सा रोस्ट करके मूंगफली के छिलके निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने शक्कर ली है, दोनों को मैंने आधा आधा कप लिया था एंड शक्कर को हमें 3/4 कप जितनी लेनी है। आप चाहे तो इससे कम भी शक्कर ले सकते हैं। सो आप लोग ये तीनों को अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके ले लीजिएगा। अभी क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये मूंगफली के अच्छी तरीके से छिलके निकाल देते हैं। तो मैंने जैसे ही आपको बोला, बहुत सारी मूंगफलियाँ ऐसी आती है जिसके छिलके आसानी से नहीं निकलते हैं, तो उसको आप लोगों को रोस्ट कर देना है पैन में एंड रोस्ट करने के बाद अच्छी तरीके से छिलके निकाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने अपने हाथों की मदद से अच्छे से छिलके निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। अच्छे से आधा कप जितनी मूंगफली को ऐड करने के बाद इसी के साथ आधा कप जितना हमने इसके अंदर काजू ऐड कर दिया है एंड इसे हम लोग अभी ग्राइंड कर लेंगे। सो ग्राइंड कैसे करना है, पल्स मोड में ग्राइंड करना है। एक बार चालू करो देन बंद करो, चालू करो बंद करो एंड थोड़ा सा मिक्स कर लो। इससे इस तरीके से दरदरा मिक्सचर प्रिपेयर होगा एंड एकदम इसका जो ऑयल रिलीज होता है वो नहीं होगा। इसको हम छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, हम जो मिठाई बना रहे हैं वो एकदम स्मूथ बनेगी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े हैं काजू और मूंगफली के, छानने के बाद एकदम फाइन मिक्सचर भी रेडी हो गया है। फिर से क्या करेंगे, ये मिक्सचर को ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। ग्राइंडर में ऐड करने के बाद फिर से उसको पल्स मोड में हम लोग अच्छी तरीके से पीस लेंगे, देन फिर से उसको हमें छान लेना है। छानने के बाद ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा के काजू है वो आप लोग जो ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं उसके लिए आप साइड में रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से फाइन मिक्सचर बन करके रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं थोड़ी सा इलायची पाउडर फ्लेवरिंग के लिए। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर का यूज मत करना, इससे जो हम लोग मिठाई बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी, च्यूई हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पे पैन रख दिया है कढ़ाई में, इसके ऊपर हम लोग शक्कर ऐड करेंगे एंड पानी कितना ऐड करना है, तो पानी हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये शक्कर अच्छी तरीके से बस पानी को सोक ना कर ले, गिल्ली ना हो जाए। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से शक्कर गिल्ली हो चुकी है, एकदम परफेक्टली गिल्ली हो गई है। तो ये स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम कर दिया ऑन हाई। अभी हम लोग हाई फ्लेम में इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए कुक करेंगे जब तक ये जो शुगर है वो एकदम परफेक्टली पिघल ना जाए। जब शक्कर पिघलने लगेगी तब हमें इसकी चाशनी का तार चेक करना है। तो ये स्टेज पे आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा चाशनी हाथ में ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो ये एकदम परफेक्टली चिपचिपी चाशनी बन करके रेडी हुई है। बस एक तार की जैसे कि थोड़ी देर होगी उसमें एक तार एकदम ये देखिए आप फॉर्म हो जा रहा है। तो जब लोग हम लोग जो मिक्सचर ऐड करेंगे तब तक ये एकदम परफेक्टली चाशनी रेडी हो जाएगी। तो फटाफट से इसमें हम लोग मिक्सचर ऐड कर देते जो हमने प्रिपेयर करके रखा था। सो ऐड करने के बाद इसे हम लोग कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो जब हम लोग मिक्स करते हैं स्टार्टिंग में तब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना, देन उसके बाद हम लोग जब कंटिन्यूसली मिक्स करने लगेंगे तब गैस का फ्लेम आप लोग हाई कर सकते हैं। हम लोग अभी जैसे जैसे कुक करते जाएंगे आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाना। अभी ये एकदम लिक्विड ही था, थोड़ा सा यहाँ पे थिक हुआ है एकदम। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी भी ये लिक्विड ही है लेकिन पहले से थिक हो गया था एंड ये देखिए और थोड़ी देर के बाद ये और गाढ़ा हो चुका है एंड इसी तरीके से और थोड़ी देर के बाद ये एकदम परफेक्टली गाढ़ा हो जाएगा। जब ये पैन में से छूटने लगेगा एकदम अच्छी तरीके से, ये देखिए ये एकदम परफेक्टली गाढ़ा हो चुका है एंड ये पैन में से भी छूटने लगा था, तो ये स्टेज तक आपको इसे कुक कर लेना है।
तो ये जैसे ही ये स्टेज तक आ जाएगा तब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको उसी के पैन में अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट जैसे ही हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक गाढ़ी प्लास्टिक ली है जिसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये मिक्सचर को। याद रखिएगा ये प्लास्टिक में हमें थोड़ा सा घी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है जिससे कि ये मिक्सचर उसमें स्टिक ना हो। अभी ये प्लास्टिक की मदद से हम लोग इस तरीके से इसको दबा दबा के एक जो हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से आपको इसे गूंथ लेना है। तो ये एकदम हल्का हल्का गरम है तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये एकदम परफेक्टली हम लोग जैसे कि आटा गूंथते हैं उसी तरीके का ये मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा। देन इसको हम लोग हल्के हाथों से अच्छी तरीके से बेल लेंगे। कोशिश करिएगा कि ये स्क्वायर फॉर्म में बेले आप इसको, तो मीडियम साइज के आप लोगों को बेल देना है ऐसे, या तो फिर अगर आपको मोटी पसंद है तो आप मोटा भी ये कतली को बेल सकते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली अच्छी तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अभी हम लोग ऊपर का रैपर हटा देंगे। हटाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्टली रेडी है। बस मैंने जैसे ही रैपर ऊपर का हटाया उसके तुरंत 1 मिनट के बाद मैं इसको चॉप कर रही हूँ, एकदम परफेक्टली कट हो जाएगा। कट कैसे करना है तो एकदम अच्छा सा जो नाइफ है उसकी मदद से ही कट करें जिससे कि एकदम परफेक्टली कट हो जाएगा। इसके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइड के कॉर्नर्स को कट लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कतली हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। बस अभी हम लोग इसको कैसे कट करेंगे, एक बार सीधा सीधा कट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। स्क्वायर शेप में कट करने के बाद भी उसको हम लोग देखेंगे तो वो काइट शेप में बन करके रेडी हो जाता है। एंड यहाँ पे ये हमारी एकदम सस्ते में एकदम परफेक्ट बाजार जैसी काजू और मूंगफली की कतली बन करके रेडी हो गई है। इसके पीसेस भी एकदम परफेक्ट बनते हैं बाजार जैसे ही, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, सो आप लोग इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों को ये रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो आप लोग इस त्योहारों में ये रेसिपी को ट्राई करना, मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों की तारीफ होंगी जब आप लोगों को खिलाएंगे तब, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सब लोगों को। सो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, एंजॉय।